गैस पिछले 2 वीक हो चुके हैं, बाइक को हाथ नहीं लगाया और आज उसकी कंडीशन देखी तो पहले जो बारिश हुई थी 2-4 दिन उसके अंदर काफ़ी बुरी हालात हो रखी है और मिट्टी से भरी पड़ी है। चेन लूप भी करने वाला है, काफ़ी सारा काम पेंडिंग है तो अभी जल्दी से बाइक को साफ करेंगे और शाम को निकलेंगे राइड पे। पिछले 2 हफ्ते से मैं अपने शेड्यूल से बाहर चल रहा हूँ क्योंकि जो भी मैं करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता। कभी किसी की शादी है, कभी किसी की पार्टी है, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, तो आज है हम पूरे फ्री। और अभी मैंने अपने ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग किया है, सो पूरा रूम मैसअप हुआ पड़ा है, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो अभी मैं रूम तो आपको बिल्कुल नहीं दिखाने वाला क्योंकि ये दिखा दिया तो फिर आप बोलेंगे कि ये क्या कचरा मचा रखा है। सो गाइस, अगर आप ये जो मैंने अनबॉक्सिंग किया इसका डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे टेक चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट उसके फीचर्स, उसके प्राइस, सेगमेंट, जितनी भी डिटेल्स हैं इसकी सारी वहां पे मेंशन की गई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और छोटी सी एक झलक अनबॉक्सिंग की मैं आपको अभी दिखा देता हूं। गाइज, बाइक वॉश करते टाइम जो सबसे डिफ़िकल्ट काम जो लगता है वो है चेन क्लीनिंग और चेन ल्यूब। काफ़ी मेहनत भरा काम है, इसमें हाथ भी काले होंगे और काफ़ी टाइम भी लगेगा, तो जल्दी से वॉश कर लेता हूँ मैं सारा और फिर मिलते हैं। कल रात को लेट तक वॉशिंग वगैरह सारा काम कंप्लीट कर लिया और अब सुबह सुबह निकल रहे हैं राइड के ऊपर। तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएंगे, शॉर्ट राइड के ऊपर जाएंगे, तो चलते हैं फाइनली राइड के ऊपर और थोड़े बहुत काम है वो भी कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको डायरेक्टली राइड पे। अभी मैं निकल चुका हूँ और घर से लगभग आ चुका हूँ 20-25 किलोमीटर दूर, एंड बस यूं ही आज राइड का मन किया और बाइक वॉश की हुई थी नई, तो मैंने सोचा क्यों ना राउंड लगा लिया जाए, एंड साथ में चेन ल्यूब किया हुआ है तो अच्छे से वो सारे पॉकेट्स जितने भी हैं वो सारे अच्छे से ल्यूब हो जाएंगे, तो इसलिए मैं राइड पर आ गया एंड थोड़े बहुत काम थे वो कम्प्लीट कर लिए हैं। वैसे गाइस आज मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी बट फिर भी मैं राइड के ऊपर आया, अभी मेडिसिन लेके आ रहा हूँ जस्ट अभी। तो प्रॉब्लम क्या हुई, गले में इन्फेक्शन हो गया है और कल फ्रेंड की मैरिज है तो उसमें भी जाना है, तो दैट इज़ वाई मैं मेडिसिन वगैरह सारी ले आया और जो बीटाडीन का जो सॉल्यूशन होता है वो भी लेके आया हूँ, जिससे गागल्स करूँगा तो एक दो टाइम करने के बाद रिलीफ मिलेगा कुछ। इस तरह से ब्लॉगिंग करना गाइस पॉसिबल हो पाया मेरे नए ट्राइपॉड से, मैन फोटो वाले से। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं या इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्राइम बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इससे लेने के बाद अब मैं इजीली देखिए आराम से इस तरह से चलते हुए व्लॉग शूट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट टाइम इस तरीके से मोबाइल को ट्राइपॉड पे माउंट करने के बाद इस तरीके से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, एंड साथ में पब्लिक रिएक्शन जो है वो काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है लोगों को इतना पता नहीं है व्लॉगिंग के बारे में, अभी इतना यहाँ पे ट्रेंड नहीं आया है पदमपुर एरिया के अंदर, तो लोग देखते हैं कि ये कर क्या रहा है। इस तरीके से थोड़ी सी राइड और करेंगे 2-4 किलोमीटर और उसके बाद फिर जाएंगे फाइनली घर पे, क्योंकि तो अभी कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है और साथ में मेडिसिन भी लेनी है और गागल्स भी करने घर जाके। इफ़ एनी व्यूअर इज़ वॉचिंग फ्रॉम पदमपुर सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि मैं कौन सी रोड पे अभी हूँ, अगर आप गैस कर सकते हैं तो। ऑलमोस्ट अगर आप पदमपुर एरिया से देख रहे हैं तो आप ज़रूर बता सकते हैं कि ये वाली कौन सी रोड है। सो घर आ चुके हैं एंड अभी कॉफ़ी ले रहा हूँ, उसके बाद मेडिसिन लूँगा। एक तो ये वाली मेडिसिन मैंने ले ली है, अभी एंटीबायोटिक है 3 लेनी है, और एक ये वाली सिरप दी है मेरे को, बीटाडीन है ये, इससे गागल्स करने, गरारे करने, इससे दिन में 2-2 घंटे बाद करने हैं, 3 से 4 बार करने हैं पूरे दिन में, तो इससे हील होने की उम्मीद है। आई होप कि कल शाम तक अच्छे से मेरी तबीयत सही हो जाए,
लेकिन अभी लग रहा है आवाज़ में भी फ़र्क है थोड़ा सा, एंड थोड़ी सी गले के अंदर थोड़ी सी जलन टाइप भी कुछ महसूस हो रहा है। तो देखते हैं कल तक अगर सही हो जाता है तो बढ़िया है। एंड एक और इसके अलावा मैं आप सभी से ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि ये मेरी आप रूम की जो दीवारें देख रहे हैं ये सारी पूरी वाइट है, तो मैं गाइस सोच रहा हूँ कि इनके ऊपर कुछ डेकोरेशन वगैरह की जाए। तो अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए मेरे साथ। तो गाइस मैंने घर की बैक साइड में काफ़ी सारी वेजिटेबल्स लगा रखी हैं, ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे। तो जितना घर के लिए रिक्वायरमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग लगा रखा है, और ये जितना भी सारा जितना प्लांटेशन है ये सारा ऑर्गेनिक है। सो गाइज ऑर्गेनिक प्लांटेशन में दिक्कत ये रहती है कि काफ़ी सारे कीट पतंगे कीड़े मकोड़े आते हैं जो कि फ्रूट्स को ख़राब करते हैं। तो काफ़ी सारे कीड़े लगे हुए हैं अभी सब्जियों में, तो अभी मैंने ऑर्गेनिक स्प्रे तैयार किया है। तो मैंने इसे नीम ऑयल से तैयार किया है एंड अब इसको स्प्रे करेंगे हम सारे प्लांट्स पे, जिससे इनकी जो ग्रोथ है वो हेल्दी हो सके और जो वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो सके। तो अभी इन पे सभी पे स्प्रे करेंगे हम। गाइस अभी गोभी के अंदर स्प्रे किया है, ये जितने भी पत्ते देख रहे हैं आप ये देखिए ये कटे हुए हैं, और इसके साथ ये देखिए ये सारे पत्ते ये जो हैं ये इंसेक्ट्स ने ख़राब कर दिए। और ये रहा फ्रूट लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लाइव कि फ्रूट के अंदर भी काफ़ी कट है, और ये वाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये बिल्कुल रेडी है तोड़ने के लिए। तो 1 से 2 दिन के अंदर इसे तोड़ लेंगे। तो गैस जो सब्जियां अपन ने लगा रखी है वो जो बैक विंडो है अपने रूम का वहाँ से उनका साफ ओवरव्यू मिलता है, ऊपर से बैक वाले विंडो से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का व्यू मिलता है अपने को। घर की बैक साइड में लगाई हुई है, यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस था तो मैंने सोचा इसे यूटिलाइज़ कर लिया जाए और यहाँ पे वेजिटेबल्स का फिर गार्डन लगा दिया। सो गाइस सारा काम कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है रूम डेकोरेशन के ऊपर। सो मेक श्योर सब्सक्राइब करके जाइएगा RC17 व्लॉग्स को एंड साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग से कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेते हुए जय हिंद जय भारत।